अगर 500 सीट नहीं मिलती है नरेंद्र मोदी को यानी बीजेपी को, तो समझ लो हिंदू समाज का या इस देश का समाज गद्दारी। मंदिर बनाया, 3 तलाक बंद किए, हजारों मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का मंदिर बनाया तो निमंत्रण लौटा दिए। अभी पिछले हफ्ते मुख्तार अंसारी जी की मृत्यु हुई तो इनको कब्र पर मिट्टी चढ़ाने मियां बीबी दोनों लोग गए और मिट्टी डाल के आए, और लेकिन राम जी के मंदिर में नहीं गए। और ये सारे जैसे राम जी के साथ विपक्षी रावण के हिमायु बकासुर सारे कुंभकर्ण सब एक हो गए थे, वैसे ये सब मोदी जी को हराने के लिए सारे पार्टियां एक हो गई है। इनका लक्ष्य है कि केवल मोदी को। मैं राम प्रसाद प्रजापति। राम प्रसाद जी, आप दिल्ली के चारों कोने में घूम रहे हैं लगातार महीनों से, जब से 2024 के चुनाव का आगाज हुआ है आप दिल्ली के हर लोकसभा क्षेत्रों में जा चुके हैं, क्या अब की बात से 2014-2019 वो आगे जा रहे हैं उसके अनुसार तो आसानी मतलब आसान लक्ष्य है। और मोदी जी इसके लिए भी जबरदस्ती किए हैं कि घर घर परिवार परिवार संपर्क करके एक एक वोट लाओ, और हिंदू समाज भी लग गया है कि सनातन संस्कृति अब अगर बच गई तो बच गई, नहीं फिर बच नहीं पाएगी, इसलिए हिंदू समाज एक हो रहा है। क्या राहुल जी हिंदू नहीं है? नहीं, राहुल को कभी वो अपने आप को हिंदू, जो बुराई करता है वो हिंदू कैसे हो सकता है, उसकी माँ ईसाई। भाई हनुमान की पूजा वो केजरीवाल जी भी करने गए थे, जब जनेऊ जो है राहुल जी भी पहन रहे हैं, और महिलाओं को 1-1 लाख रुपया हर वर्ष देने की वादा कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मोदी जीत रहे हैं। ये तो लोभ देने के लिए करते हैं, बाकी ये लोग तो असुर हैं, विधर्मी हैं, अधर्मी हैं, राक्षस हैं, जिनको हमारे वेद शास्त्रों में राक्षस कहा गया है, बाकी सारी पार्टियाँ वही चीज हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। भारत की बुराई करेंगे, देश की बुराई करेंगे, हिंदू की बुराई करेंगे, संविधान की बुराई करेंगे, इनको तो हारना ही है, ये तो जबरदस्ती लड़ रहे हैं। अभी जंतर मंतर पे अरविंद केजरीवाल के लिए सहानुभूति की एक रैली हुई थी जिसमें इन्होंने रघुपति राघव राजा राम के गाने गा रहे थे, बहुत अच्छे थे। राम का नाम देखो, कुछ तो मैं ज्यादा क्या कहते हैं चरण सेवक होंगे ना केजरीवाल, हो सकता है कभी बाद में बच के आ जाए तो उसको दिखाएंगे कि देखो हम आपके लिए संघर्ष किए थे, जो ज्यादा बेशर्म है, जलील बेचारे हैं, क्या करेंगे। तो पूरे देश की जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश की जनता के लिए यही कहना चाहता हूं कि करो कि मरो की कंडीशन है महात्मा गांधी की तरह, जिस प्रकार से महात्मा गांधी रामराज की कल्पना करते थे वो बीजेपी ला रही है, इसलिए महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करो, मोदी जी के सपनों को पूरा करो। 400 क्या है, 450 सीट। दिल्ली में चुनाव हो रहा है, किसके सर पर होगा ताज, कौन जीतेगा 2024 अब की बार? मोदी सरकार। कैसे? मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, रोड बनाया, कोरोना काल में सबका काम किया, विकास किए हैं, 370 खत्म किए। कट्टर ईमानदार केजरीवाल? नहीं, केजरीवाल जब से सत्ता में आए हैं एक भी कोई सड़क बनी है, मेट्रो बना है, कोई भी हाईवे बना है, डीटीसी बस फ्री है लड़की औरतों के लिए, 2-2 घंटा औरतें धूप में बड़ी बस स्टैंड पर खड़ी रहती है, बस आती नहीं। आज सारे रोड बाहरी दिल्ली के खराब है, कंजर है, एक बस खराब हो जाती है तो घंटों जाम में खड़ा रहती है। लेकिन बस फ्री दिए हैं केजरीवाल, महिलाएं बहुत खुश हैं। महिलाओं वो खुश है जिनके घर में काम नहीं है, जो जमा मस्जिद लाल किला घूमती है, काम धंधे वाली अपने घरों में काम कर रही है, बेटे को बेटियों को पढ़ा रही है, काम धंधे वाली घरेलू महिलाएं चाहती हैं कि फ्री ना हो, पैसे ही लगे लेकिन सुविधा मिले। बस टाइम से नहीं मिलती? नहीं, बस तो नई नई बसें बहुत आई हैं, केजरीवाल जी बहुत कह रहे थे। छुट्टी के दिन, आज छुट्टी का दिन है, त्योहार का दिन है, आज देखिए हर एक बस स्टैंड पे 500 लोग खड़े। लेकिन राहुल जी ने अभी घोषणा पत्र में कहा है कि हर महिलाओं को 1 लाख रुपया सालीना देंगे, कहाँ से देंगे, वैसे ही झूठ मूठ के लालीपाप है। केजरीवाल जी भी बोले थे कि देंगे, हम जन लोकपाल बिल लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, सत्ता आ गई, 2012 से भी नॉन स्टॉप मुख्यमंत्री है, कौन से क्या काम कर दिए। कोरोना काल में जहाँ सारे लोग भूखे मर रहे थे वहाँ वो महल बना रहे थे। लेकिन कांग्रेस और जो है कि आम आदमी पार्टी दोनों मिल करके दिल्ली में लड़ रही है, तो कैसे बीजेपी जीत जाएगी? जीत जाएगी, वो अपने काम के विकास के नाम पे जीतेगी, जनता को विकास चाहिए।